नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी जेई 25 मई शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चन है वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो दोस्तों, जानेंगे विद अनश्वर की कौन से क्वेश्चन थे और क्या उसके अनश्वर थे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि पुतली शरीर के किस अंग का भाग है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है ये, इसका सही अनश्वर आँख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एलिफेंटा गुफा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, एलिफेंटा गुफा है वो महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, यूएन की पहली भारतीय महिला सचिव कौन थी। तो दोस्तों, यूएन की पहली भारतीय महिला सचिव है वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। दोस्तों दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं जो कि हर शिफ्ट के अंदर जैसे आ रहे हैं वैसे ही आए हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो दोस्तों, लिग्नाइट कोयला है ये कौन से स्टेट में पाया जाता है ये आप जान लेना। एक क्वेश्चन था इस प्रकार था दोस्तों कि यूनिट ऑफ प्रेशर। तो दोस्तों, यूनिट ऑफ प्रेशर है वो पास्कल था इसका सही उत्तर। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों, शशांक मनोहर है वो आईसीसी के चेयरमैन है। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि पॉल्यूशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों, पॉल्यूशन एक्ट है वो 1974 के अंदर लागू किया गया। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल है। तो दोस्तों, समानता के अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर समानता का अधिकार आर्टिकल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यकृत है वो इसका सही आंसर था। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ था दोस्तों, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, हम्पी अवशेष कौन से राज्य में है। तो दोस्तों, कर्नाटका के अंदर है हम्पी अवशेष। एक क्वेश्चन था दोस्तों इस प्रकार की, स्केटिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था दोस्तों, स्केटिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था दोस्तों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस है वो सही। एक क्वेश्चन ओम्स लॉ से क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, एसिड में यदि नीला लिटमस पेपर डाला जाए तो कौन सा कलर आएगा। तो एसिड के अंदर यदि नीला लिटमस पेपर डाला जाए तो लाल कलर आएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, आवर्त अधातु आवर्त सारणी से रिलेटेड आया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों, SI और CI से दो तीन क्वेश्चन आए थे दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से आए दो तीन क्वेश्चन, मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन थे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ ये क्वेश्चन थे जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। जैसे ही थर्ड शिफ्ट के हमारे पास एनालिसिस आता है, हम आपको तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।